चुप। अरे डरिए मत, मैं सुमन घोष और आप देख रहे हैं न्यूज साइट। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के डिलाइट डायमंड में, जहाँ आज चुप मूवी का प्रेस शो चल रहा है। तो चलिए जानते हैं जनता से उनको ये मूवी कैसी लगी। सर आपको ये मूवी कैसी लगी? ठीक थी, अच्छी फिल्म थी। मूवी अच्छी थी? हाँ, मुझे पसंद आई फिल्म, काफी अच्छी एंगेजिंग मूवी है। मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी न्यू है। मुझे क्रिटिसिज्म पे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे बताया है कि हर समय क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ऑल दो हर समय तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, पर अच्छा कॉन्सेप्ट है, मूवी देखने लायक है, मस्त। मूवी बढ़िया थी, बहुत अच्छी मूवी थी, बट इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी। मतलब सस्पेंस काफ़ी सस्पेंसिव है, बट उन्होंने सबसे गलत क्या करा, जो सस्पेंस है उसे इंटरवल के पहले जो है दिखा दिया। मैम आप मीडिया में हो ना, आपको कैसी लगी? मैं आपसे पूछ रही, आप बताओ आइडिया आपके पास है, आप डर तो नहीं रिव्यू देते हुए? नहीं आप बताओ बस। डर तो नहीं लग रहा रिव्यू देते हुए? हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी भाई, फिल्म बहुत ज़बरदस्त है और ये एंटी क्रिटिक फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंटी क्रिटिक फिल्म का इसका ट्रेलर देखा तो ऐसा लगा कि शायद ये मीडिया के अगेंस्ट फिल्म है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में सही को सही और गलत को गलत बताने की एक लड़ाई है। तो फिल्म बहुत अच्छी है और देखने लायक। सनी देओल काफ़ी लंबे वक्त के बाद पर्दे पे आए हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सनी देओल एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और जिस हिसाब का कैरेक्टर था भाई, उन्होंने उस हिसाब से उसको प्ले किया है, सीरियसनेस बना के, और जहाँ पे हंसाना था वहाँ हंसाया भी है। एंड सनी देओल जैसे एक्टर को देखना लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं यार, इतना टाइम से उनको। अभी मैं परसों ही देख रहा था वो, जिसमें वो थी क्या नाम है, वो चड्डा, जिसमें चड्डा बोल के कौन सी फिल्म थी वो, दामिनी देख रहा था, उसमें जो सनी देओल थे और आज जो सनी देओल देखे हैं लगभग सेम ही हैं। हाँ, उनकी एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें, कि वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद दिखाई दी, और एक अलग ही जोश और उत्साह होता है जो किसी एक्टर का, वो काफ़ी टाइम बाद दिखाई दिया। काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं, बट ऐसा नहीं लगा कि लंबे समय के बाद आए, उनकी एक्टिंग हमेशा से ही सुपर रही है। हाँ, एक्चुअली काफ़ी सालों बाद, एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद वो पर्दे पर आए, तो अच्छा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छे एक्टर थे वो। तो इतनी एक्सपेक्टेशन सनी देओल से थी इस बार की कुछ नया देखने को मिलेगा, ट्रेलर भी हम देख के आए यहाँ पे कि बहुत अच्छा ट्रेलर था, लगा कि हाँ गदर 2 से पहले कुछ और बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। हाँ, ये सही है कि वन टाइम वॉच मूवी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पता है मुझे सनी देओल की एक्टिंग में कुछ नया ऐसा नहीं लगा जो कि हुआ है, मैंने पहले भी उन्हें ऐसे कैरेक्टर्स में देखा है, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज मुझे अलग देखना है कुछ सनी देओल का, हार्ड कैरेक्टर बहुत देख लिए, बहुत हो गया। अच्छे है वो, हालांकि स्टार अट्रैक्शन दुलकर है, बट सनी क्योंकि इतने सीजनड एक्टर हैं और ऐसे रोल्स भी उन्होंने बहुत किए पुलिस वाले के, तो ही इज़ लाइक फिट हो रहा है परफेक्टली, जेलिन हो रहा है उस रोल में, सो गुड। तो जैसे आपके हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये मूवी फैमिली के साथ वो देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी ब्लड वाला सीन है, तो क्या वो देख पाएंगे फैमिली के साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सिनेमा पिछले कई सालों में इतना ग्रो कर गया है कि ऑडियंस हर तरह की मूवीज़ फैमिली के साथ देख पा रहे हैं, क्योंकि OTT के बाद आप ड्राइंग रूम में मिर्ज़ापुर और बाकी सब चीज़ें देख रहे हो, तो ये तो फिर भी चुप है, देखी जा सकती है। फैमिली के साथ, मतलब इसमें कुछ बोल्ड सीन्स हैं, बट हाँ अगर आपकी फैमिली कंफर्टेबल है तो यू कैन। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि आप फैमिली के साथ ही मूवी नहीं देख सकते हो, मूवी काफ़ी अच्छी रही और इतना भी ज़्यादा कुछ एक डिस्टर्बिंग नहीं था, बट हाँ आप देख सकते हैं फैमिली के साथ, मैं रिकमेंड करूँगी देख सकते हैं। ये साथ इसे बिल्कुल मत देखें, बस ये है कि हाँ बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें इस फिल्म से, बाकी वन टाइम वॉच मूवी है, मैं तो कहूँगा कि हाँ देखो, जरूर देखो, जो सनी देओल के फैन है वो तो जरूर देखेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन वॉच विद योर फैमिली, इसमें कुछ बोल्ड सीन है नहीं, यू कैन वॉच विद योर फैमिली एंड एंजॉय। बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है मूवी में कि फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। म्यूजिक की कमी है, बट कुछ कुछ कमी है कि जहाँ बोरिंग पार्ट्स आ जाते हैं, दोनों की लव स्टोरी मतलब क्यों ही दिखाई जब एंडिंग ही करनी थी तो उसकी, है ना। सो यार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यार, वेब सीरीज देखते हैं फैमिली वाले लोग, वेब सीरीज में तो इससे ज़्यादा दिखाते हैं, वेब सीरीज़ में तो सेंसर भी नहीं होता है, इसमें भी सेंसर नहीं किया है, और मैं तो हैरान हूँ यार कि ऐसे सीन्स को सेंसर ने अलाउ कैसे कर दिया। एंड आपने नोट किया हो मूवी के बीच में गालियाँ भी प्रॉपर सुना दी हैं, सो काफ़ी मैं हैरान हूँ दैट मीडिया ने भाई अलाउ और सेंसर ने भाई अलाउ कर दिया, सो गुड, देख सकते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मूवी में एक डायलॉग था कि मैंने उनको स्टार दे दिया जो मूवीज़ को स्टार देते हैं, तो आप इस मूवी को कितने स्टार दोगे? अरे मुझे स्टार मिल गया तो मगर मैं इस मूवी को दूंगा स्टार, 4 स्टार दूंगा, आर बाल के साथ बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बिल्कुल मूवी अच्छी है, तो डिपेंड ऑन 4.5 स्टार तो मिलने चाहिए।
एज पर माई ओपिनियन 3 out of 5 मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या मूवी को आज एक भी स्टार नहीं दूंगा, ये जिंदा रहना हमें। और तब तो डर लग गया मुझे स्टार दे देने, बट ठीक है फिर भी अगर मैं स्टार देना चाहूँगा 3.5 आई थिंक इसके लिए इनफ है। मैं इस मूवी को 4.5 स्टार्स देना चाहूँगी। मुझे लिटरली डर नहीं लगता है क्रिटिक्स के उस पे, क्योंकि मैं क्रिटिक नहीं हूँ इसलिए। यार मैं जनरली स्टार देता ही नहीं अगेंस्ट माई, क्योंकि मैं खुद रिव्यू करता हूँ फिल्में, तो मेरा यही होता है कि आई विल टेल कि मुझे कैसी लगी, स्टार नहीं देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। चुप मूवी ने सारी जनता की चुप्पी तोड़ दी है और हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि सनी देओल का कमबैक कैसा होगा। तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, सनी देओल का कमबैक बहुत अच्छा है और इस मूवी को 4.5 रेटिंग मिली है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी आप इस मूवी को ज़रूर थिएटर्स में जाके देखिए और हमें हमारे कमेंट में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे के ऐसे ही तमाम प्रेस शो और प्रेस रिव्यू के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।